हेलो फ्रेंड्स uh, स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंड्स इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स ये एक सीरीज़ स्टार्ट की है मैंने और इस सीरीज़ के थ्रू आप इंग्लिश को बहुत आसानी से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे इंग्लिश ग्रामर के जो एस्पेक्ट्स हैं वोकेबलरी के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको आप बहुत ही आसानी से आप ग्रेस्प कर पाएंगे और समझ पाएंगे इस सीरीज़ के थ्रू तो चलिए शुरुआत करते हैं देखिए इस सीरीज़ में मैं आपको वर्ड्स को एक स्टोरी के थ्रू बताऊंगा एक्सप्लेन करूंगा और वहीं पर मैं उसके जो जो वर्ड्स आएंगे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे उनको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिए सपोज यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू एंड लिटिल टाइम टू रीड नाउ हेयर लिटिल मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग यू कैन सी हेयर लिटिल मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग ओके सो व्हेन यू से लिटिल ओनली विदाउट ए और विदाउट दिस लिटिल मीन्स ऑलमोस्ट नथिंग और ऑलमोस्ट नील so this little word is used in a negative sense and it always use almost nothing so suppose you have a lot of work to do and little time to read so how do you read a novel like War and Peace War and Peace novel के बारे में आपने सुना होगा ये Leo Tolstoy की एक बहुत ही famous novel है यदि आपके पास बहुत सारा काम है और time नहीं है आपके पास तो एक 1500 page की novel को आप किस तरीके से पढ़ेंगे फिफ्टीन हंड्रेड आउट पेजेज एंड दैट टू इन फाइन पिन यू गो फॉर द एवरेज वर्जन ठीक है यदि आपके पास टाइम नहीं है बहुत सारा काम करने को है तो आपको यदि इस तरह की नॉवल पढ़नी है तो आप क्या करेंगे आप एवरेज वर्जन का सहारा लेंगे नाउ वॉट इज एवरेज एवरेज मीन्स समेराइज फॉर्म और शॉर्टर फॉर्म और कल्टेल्ड फॉर्म नाउ दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरेस्ट दैट इज कल्टेल्ड और समेराइज फॉर्म ओके तो इस तरीके से आपको वर्ड्स को मैं सिखाऊंगा स्टोरी के थ्रू जैसे यहाँ पर आपने समझा कि डिटेल को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं यहाँ पर आपको दो वर्ड्स मिले एवरेज और कर्टेल्ड ठीक है अब हम आगे चलते हैं और यहाँ से पढ़ते हैं अ गुड बुक रिसीव्स अक्लेम ठीक है एक अच्छी बुक जो होती है उसको अक्लेम मिलता है ना वट इज़ दिस अक्लेम अक्लेम सिंपली मीन्स पब्लिक प्लेस अक्लेम मीन्स पब्लिक प्लेस जनता की तारीफ ठीक है

इन ग्रेट आफ्टर. अब पर आपको एक वर्ड के, जब कोई चीज कोई चीज कोई वस्तु कोई व्यक्ति जब ग्रेट डिमांड में होता है तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट आफ्टर वेन समथिंग इज इन ग्रेट डिमांड इट इज शॉर्ट आफ्टर यू आर इन द ग्रेट डिमांड वेन यू आर एट द अपैक्स एट द अपेक्स का क्या मतलब है एट द अपेक्स का मतलब है अपने करियर के हाईएस्ट पॉइंट पर होना पीक पर होना या चोटी पर होना एट द अपेक्स अपेक्स के लिए कुछ सिनोनिम्स भी हैं जैसे अपेक्स को हम पीक भी बोलते हैं वर्टेक्स भी बोलते हैं ठीक है तो यू आर इन द ग्रेट डिमांड वेन यू आर एट द अपेक्स और हाइस्ट पॉइंट वैन यू आर एट द अपेक्स यू रूल द roost. जब आप अपैक्स पर होते हैं जब आप चोटी पर होते हैं तो आप क्या करते हैं यू रूल द roost. रूल द roost इज अ काइंड ऑफ idiom. और इसका मतलब होता है कि आप डिसीजंस लेते हैं आप एक आप एक पोजीशन में होते हैं ठीक है आप चार्ज में होते हैं व्हेन यू रूल द रूस्ट यू आर इन चार्ज और यू आर पावरफुल और आई कैन से दैट यू कॉल द शॉर्ट्स सो कॉल द शॉर्ट्स का क्या मतलब है कॉल द शॉर्ट्स का मतलब है टेक डिसीजन्स तो देखिए कितने सारे वर्ड्स कितने सारे एडियम्स यहाँ पर आपको स्टोरी, स्टोरी के थ्रू सीखने को मिल रहे हैं स्टोरी के थ्रू इफ़ आई फील दैट आई और माई एक्शंस हैव हट यू इन द लीस्ट इन द लीस्ट का मतलब होता है कि यदि मैंने आपको थोड़ा सा भी इन द लीस्ट मीन्स मिनिमम इफ़ आई फील दैट आई और माई एक्शन हैव हट यू इन द लीस्ट दैट इज़ इन द मिनिम आई वुड लाइक टू टेंडर एंड एपोलॉजी नाउ वॉट डू यू मीन माई टेंडर टेंडर हैज डिफरेंट मीनिंग्स ठीक है यदि आप इसको नाउन की तरह यूज़ करें तो इसका मतलब होता है बहुत ही डेलिकेट और बहुत ही कोमल लेकिन वर्ब की तरह जब आप टेंडर वर्ड को यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है ऑफ़र करना इसको हम बोलते हैं टेंडर रेजिग्नेशन अपना रेजिग्नेशन देना ठीक है या एपोलॉजी को ऑफ़र करना तो उसके लिए हम टेंडर वर्ड का यूज़ करते हैं ए यू कैन सी हेयर एपोलॉजी के आगे क्या, क्या, क्या लिखा हुआ है से सॉरी एपोलॉजी क्या होती है एक माफ़ी नामा होती है एक माफ़ी मांगना रिटिन में उसको हम बोलते हैं से सॉरी टेंडर का मतलब होता है ऑफ़र वेन यू मेक नो एपोलॉजीज फॉर एनी ऑफ योर मिस्टेक यू एम्फेसाइज दैट यू फील दैट यू हैव डन नथिंग रॉन्ग जब आप बोलते हैं कि आई मेक नो एपोलॉजी इसका मतलब है कि यू आर एम्फेसाइजिंग कि आपने कोई भी गलत काम किया है ठीक है तो इस तरह से इन वर्ड्स को आपको सीखना है चलिए आगे देखते हैं वी वर अपेल्ड वेन वी हर्ड दैट शी हैड बीन मर्डर्ड जब हमें लगा कि जब हमें लगा कि उसका मर्डर कर दिया गया है तो हम लोग कैसे थे हम लोग अपेल्ड थे वी वर अपेल्ड अपेल्ड का क्या मतलब है डिस्ट्रेस ग्रेटली बहुत ज़्यादा दुखी थे बहुत ज़्यादा नफरत से भरे हुए थे बहुत ज़्यादा डर से भरे हुए थे तो अपेल्ड के अंदर ये सारे सारे इमोशंस सारे फीलिंग्स आ जाती हैं वी वर डीपली शॉक्ड बाई द न्यूज़ वी वर फिल्ड विथ फीयर हेटरे टेरर एट्सेट्रा ये सारे वर्ड आ जाते हैं अपेल्ड में ठीक है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है अपेल्ड का अर्थ है डिस्ट्रेस ग्रेटली तो इसमें आप शॉक भी रहते हैं फियरफुल भी रहते हैं टेरर से भरे हुए भी रहते हैं ये सारी चीज़ें आ जाती हैं अपेल्ड में हर हस्बैंड हैड ए हैंड इन दिस अपेलिंग क्रुएलिटी वोज अपेरेंट उसके हस्बैंड का इस क्रुएलिटी में हाथ था ये अपेरेंट था अपेरेंट मतलब ये ऑब्वियस था ये साफ साफ दिखाई दे रहा था ये ये एविडेंट था ठीक है, इफ समथिंग इज अपेरेंट इट इज क्वाइट ऑब्वियस एंड इजीली सीन और अंडरस्टूड वन कैन कंक्लूड और काइंड ऑफ इन्फ दैट हिज हस्बैंड माइट हैव बीन एन है क्या होता है एकम्पलिस होता है पार्टनर इन क्राइम ठीक है तो इस तरीके से इन वर्ड्स को आपको सीखना है आगे हम बढ़ते हैं बट वॉट मे बी द रीज़न बिहाइंड द मर्डर इस मर्डर के पीछे रीज़न क्या हो सकता है चलिए देखते हैं मे बी शी हैड रिफ्यूज टू अपीज़ हिज हस्बैंड हो सकता है उसने अपने हस्बैंड को अपीज़ करने से मना कर दिया हो अपीज़ का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कोई भी ऐसी चीज़ दे के शांत कर देना जो वो चाहता है जैसे गवर्नमेंट की अपीजमेंट पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है जो जो लोग नाराज हैं जो लोग अनसेटिस्फाइड हैं उनको वो चीज़ दे दी जाती है जो वो लोग चाहते हैं तो उसको हम बोलते हैं अपीजमेंट पॉलिसी वट इज़ अपीज इफ यू ट्राई टू अपीज पीपुल और सम वन यू ट्राई टू स्टॉप देम बींग एंग्री बाई गिविंग दैम वॉट दे वॉन्ट ठीक है ये अपीज का मतलब है इफ़ यू ट्राई टू अपीज पीपुल और सम वन यू ट्राई टू स्टॉप दैम बींग एंग्री बाई गिविंग देम वोट दे वॉन्ट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द गवर्नमेंट्स अपीजमेंट पॉलिसीज बाय विच दे ट्राई टू सेटिसफाई पीपुल तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स को आसानी से समझ सकते हैं और ये वर्ड्स आपके लिए सभी कंपिटेटिव एग्जाम के लिए बैंकिंग के लिए एस के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे रीडिंग कॉम्प्रीहेंसन में क्लोज टेस्ट में पैाजम्बल्स में गवर्नमेंट्स आर ऑफ़न अक्यूज दे आर अक्यूज क्या मतलब है अक्यूज का उनको उनके ऊपर एक आरोप लगाया जाता है उनको ब्लेम किया जाता है ठीक है गवर्नमेंट्स आर ऑफन अक्यूज ऑफ अक्यूजमेंट पॉलिसी टू टेररिस्ट चलिए अब आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट है बैंक पीओ एग्जाम नाउ दे आर एप्रीहेंसिव अबाउट द रिजल्ट्स स्टूडेंट ने बैंक पीओ का एग्जाम तो दे दिया है लेकिन अब वो एप्रीहेंसिव है रिजल्ट के बारे में एप्रीहेंसिव का मतलब क्या है देखिए एप्रीहेंसिव जब आप होते हैं तो उसमें दोनों चीजें मिली रहती हैं उसमें डर और चिंता ठीक है फियरफुलनेस एंड एंसनेस आर मिक्सड वेन यू आर एप्रीहेंसिव तो उसमें दोनों ही चीजें आ जाती हैं और टू बी एप्रीहेंसिव मीन्स टू बी अफ्रेड द समथिंग बैड माइट हैपन ठीक है जब आप एप्रीहेंसिव होते हैं तो आप अंदर से एंक्स होते हैं अंदर से आप डरे हुए होते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए उसको हम बोलते हैं अप्रीहेंसिव एंड वट इज द नाउन फॉर्म ऑफ एप्रीहेंसिव ना एप्रीहेंसिव का नाउन फॉर्म है अप्रीहेंशन ठीक है नाउ वट इज एप्रीहेंड एप्रीहेंड का मतलब होता है इफ द पुलिस एप्रीहेंड सम दे कैच हिम एंड अरेस्ट हिम किसी व्यक्ति को जब पुलिस एप्रीहेंड कर लेती है तो उसको हम बोलते हैं अरेस्ट करना तो एप्रीहेंड का मतलब अरेस्ट करना भी होता है नो वट इज कॉम्प्रीहेंड कॉम्प्रीहेंड मींस टू अंडरस्टैंड समथिंग वेल चलिए आगे बढ़ते हैं यस्टरडे वेन आई वॉज सिटिंग इन ए रेस्टोरेंट आई कुड नॉट रिजिस्ट कल जब मैं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था आई कुड नॉट रजिस्ट नाउ रजिस्ट मीन्स आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ मैं अपने आप को रोक नहीं पाया आई कुड नॉट रजिस्ट द एरोमा ऑफ हॉट कॉफी एरोमा का क्या मतलब होता है स्ट्रॉन्ग प्लीजेंट स्मेल स्ट्रॉन्ग प्लीजेंट स्मेल ऑफ हॉट कॉफी सो आई वेंट टू द मैन हु वॉज प्रिपेयरिंग इट एंड आस्क हिम फॉर ए कप ऑफ इट चूंकि मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी एरोमा आ रहा था हॉट कॉपी का मैं अपने आप को रजिस्ट नहीं कर पाया मैं अपने आप को स्टॉप नहीं कर पाया उस एरो के अगेंस्ट ठीक है आगे हम देखते हैं व्हाट द एरोगेंट व्हाट ही एरोगेंटली रिफ्यूज टू लेट मी हैव इट मैं उसके पास कॉफ़ी देने के लिए गया लेकिन उसने मुझे रिफ्यूज़ कर दिया उसने मुझे किस तरीके से रिफ्यूज़ किया उसने मुझे एरोगेंटली रिफ्यूज़ किया एरोगेंटली का क्या मतलब है उसने मुझसे गेंट तरीके से प्राउड और घमंडी तरीके से उसने मुझसे बात की और एरोगेंट के लिए आप दो वर्ड और यूज़ कर सकते हैं कंसीटेड और सुपरसिलियस आर द अदर वर्ड्स यू कैन यूज़ इन प्लेस ऑफ एरोगेंट एरोगेंट के दो में आपको मिल गए हैं यहाँ पर कंसीटेड और सुपरसिलियस कंसीटेड और सुपरसिलियस तो इस तरीके से स्टोरी के आधार पर स्टोरी के माध्यम से इन वर्ड्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगा वर्ड्स के सिनोनिम्स बताऊंगा इडियम्स एंड फ्रेजेस बताऊँगा उसके उस वर्ड से रिलेटेड ग्रामेटिकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो सारे एक्सप्लेन करूंगा उच्चारण बताऊंगा तो इससे क्या होगा इससे आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इंग्लिश को सीखने का आपको एक चांस मिलेगा और ये सीरीज़ है वर्ड ऑफ वर्ड ठीक है ये पार्ट वन है और इसके जो फोर्थ कमिंग पार्ट्स होंगे वो आगे मैं अपलोड करूंगा एक अलग फोल्डर में ठीक है तो यहाँ पर अपना मुझे फीडबैक ज़रूर दें और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है यहाँ पर भी अपना मुझे फीडबैक आप दे सकते हैं इंग्लिश एडवांटेज ग्रुप ये फेसबुक पर है इसको भी आप ज़रूर ज़रूर ज्वाइन करें और मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल आप यहाँ पर देख सकते हैं तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस वीडियो क्लास में इतना ही अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में थैंक यू